सब हम में सबसे छोटा यही है। अब सब कितनी उम्र मेरी? मेरे ख्याल राजस्थान पूरे प्रदेश में 200 सीटें हैं, मेरे ख्याल 700-800 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे कम उम्र के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। ये इस नौजवान व्यक्ति को अगर सींचना है तो कांग्रेस पार्टी ने जमीन में बीज तो डाल दिया, अब खाद पानी आपको डालना पड़ेगा ताकि इसको आशीर्वाद के जिताओ। जीतने के बाद हम सब लोग जो आसपास खड़े हैं इसके, हम सब जिम्मेदारी से कह सकते हैं ये ईमानदारी से सबको साथ लेकर आपकी सेवा करेगा। ये मेहनती व्यक्ति है। मैं तो जानता था, मैं कॉलेज में था, अब मुझे पता नहीं पड़ा था, बड़ा हो गया, टिकट मांगने वाला बन गया। अब इसका मतलब ये है कि मेरी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। तो लेकिन मैं जब पहली बार ये जयपुर पर देखा, मैंने कहा ये कॉलेज में था, खत्म कॉलेज हुआ, डबल एमए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, मुझे पता नहीं था क्या कर रहा है, लेकिन तो टिकट मांग रहा था। पार्टी ने सर्वे करवाया और एक टिकट दिया है नौजवान को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सारी बातें भूल जाओ, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहलवाए, हमें हाथ का निशान हमारी पहचान है, इस हाथ पर वोट डालना है और इस नौजवान को चुनाव जिताकर आप विधानसभा में भेजो। हम सब जीत कर जाएंगे, आपका काम करेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग हमेशा खुश रहो, जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। 25 तारीख को बटन दबाना। और सुनो, मैं चुनाव टोंक से लड़ रहा हूं, जब मतदान होगा 25 तारीख को मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं। लेकिन आप जानते हो ये बटन वाला जो मामला है, ये टी करके आवाज आती है इसके अंदर, तो आप ये शिव प्रकाश का बटन का टी की आवाज इतनी जोर से आए कि मुझे टोंक में पता पड़ जाए कि वोट पड़ गए आप लोगों के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कार्यक्रम को देखते हुए निवेदन करूंगा पायलट साहब से कि हमारे दो लोग अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कान्हाराम जी धंजा जो अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज पुष्कर के उपाध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। जोरदार तालियां।